नमस्ते गाइस, राजेश शेफा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक पबजी गेमिंग टेस्ट गैलेक्सी A20 में। तो वैसे तो गैलेक्सी A20 एक लोअर मिड रेंज डिवाइस है। इसमें आपको एक 720p प्लस रेजोल्यूशन का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, एक एक्सिनॉस 785 चिपसेट मिल रहा है जो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सिंस जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 720p प्लस है तो मुझे उम्मीद है कि A20 जो है वो पबजी को ठीक से ही चला लेगा। ये याद रखिएगा कि गैलेक्सी A20 आपको 12,500 में मिलेगा मार्केट में, और इसी प्राइस रेंज में आपको रेडमी नोट 7 भी मिल जाएगा नॉन प्रो वर्जन, और वो जो है पबजी को हाई ग्राफिकल सेटिंग्स पे चला सकता है। लोडिंग टाइम आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही है, अराउंड 52 सेकंड्स लगते हैं गैलेक्सी A20 को पबजी लोड करने में। मैंने एक अपने कंपैरिजन वीडियो में पहले भी ये दिखाया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है पबजी आपका गैलेक्सी A20 में बैलेंस सेटिंग्स और मीडियम फ्रेम रेट पे चलता है, तो फ़ोन ने शुरुआत ही कोई खास नहीं की है। लेकिन अब ये देखना है कि बैलेंस्ड और मीडियम सेटिंग में भी पबजी कैसा चलता है गैलेक्सी A20 पे। यहाँ पे मेरा गैलेक्सी A20 एक 100 Mbps सर्वर से कनेक्टेड है, तो कोई भी सर्वर रिलेटेड लैग जो है हाई पिंग टाइम्स के कारण वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो मेरा पिंग टाइम है वो अराउंड 70 to 100 milliseconds का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस जो है मीडियम सेटिंग्स पे वो रिस्पेक्टेबल है, उतनी अच्छी नहीं है। और क्योंकि इस फ़ोन में सिर्फ 3GB रैम है तो आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण पबजी जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को बाद में लोड कर रहा है जब मैं उनके पास पहुंच रहा हूँ, जैसे कि पेड़ जो हैं या छोटे छोटे ग्रास जो हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो तब लोड हो रहे हैं जब मैं उनके एकदम पास पहुँच जा रहा हूँ, जैसे ये शेडोज़ जो थे अभी। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे शेडोज़ लोड हो रहे हैं यहाँ पर, और ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि इस फ़ोन में सिर्फ 3GB रैम है। एनीवेज अभी जो है मैं गेम को ट्राई करता हूँ पबजी को HD ग्राफिक्स पे चलाने का। सेटिंग्स तो अप्लाई हो गए हैं, अब देखना ये है कि इसका परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है। थोड़ी बहुत स्टटरिंग और स्किप्ड फ्रेम्स है, गेम जो है वो बेयरली आप बोल सकते हैं कि 30 FPS पे चल रहा है, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा। पर तो भी एक तरफ से अगर आप एक कैजुअल पबजी प्लेयर हैं तो आप गैलेक्सी A20 में एटलीस्ट HD ग्राफिक सेटिंग्स पे मीडियम फ्रेम रेट पे पबजी को खेल सकते हैं। अब जो है मैं ग्राफिक सेटिंग्स में जाके फ्रेम रेट को हाई करके देखता हूँ कि परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है इसका। सो परफॉर्मेंस जो है HD ग्राफिक सेटिंग्स पे हाई फ्रेम रेट के साथ जो है रिस्पेक्टेबल है, उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको रेडमी नोट 7 में मिलेगी। फ्रेम रेट जो है ये क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि ये 30 FPS पे नहीं है एग्जैक्टली, कहीं कहीं पे थोड़े ड्रॉप्ड फ्रेम्स और ये सब इशू हैं। रही बात हीटिंग की तो फ़ोन थोड़ा सा गर्म हुआ है, ज़्यादा नहीं। ओवरऑल मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ गैलेक्सी A20 के पबजी परफॉर्मेंस से। रैम कम है तो इस कारण से थोड़ा जो है रिसोर्स बाद में लोड होते हैं गेम में, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है एक तरफ से। स्पेशली जब आप ये कंसिडर करेंगे कि ओरिजिनली जो ये गेम था मीडियम सेटिंग्स पे चालू हुआ, लेकिन मैं इसे अभी HD ग्राफिकल सेटिंग्स पे हाई फ्रेम रेट पे चला रहा हूँ, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रेसिव बात है। यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि आपको गैलेक्सी A20 में एक 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल रहा है तो जो GPU पे लोड है वो उतना नहीं है जितना तब पड़ता अगर इस फोन में एक फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले पैनल होता। तो ये काफ़ी स्मार्ट डिसीजन था सैमसंग की तरफ से एक 720p रेजोल्यूशन का पैनल यूज़ करने का, क्योंकि गेमिंग वाइज ये इंश्योर करता है कि भले ही एक्सिनॉस 785 चिपसेट इतना पावरफुल नहीं हो, लेकिन तो भी ये पबजी जैसे हैवी गेम्स को अच्छे से चला लेता है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पबजी खेलने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो रेडमी नोट 7 या रेडमी नोट 7 प्रो लेने का ट्राई करें, क्योंकि अभी हैंड्स डाउन 15,000 में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है मार्केट में जो रेडमी नोट 7 या नोट 7 प्रो जैसा पबजी गेमिंग एक्सपीरियंस दे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, ऐसा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।